हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ सॉन ऑफ रिच मूवी के स्टोरी को। मूवी के स्टार्ट में हम ग्रिशा नाम के एक लड़के को क्लब में देखते हैं। ग्रिशा एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद है और वो किसी की भी कोई भी फिक्र नहीं करता और हर जगह अपनी मनमानी करता है। उसी क्लब में से ग्रिशा एक लड़की को अपने साथ लेके बाहर आता है। यहाँ पर ग्रिशा उस लड़की को कार में बिठा के अपने पैसों का घमंड दिखाता है और साथ ही उस लड़की से बहुत ही बदतमीजी से बात करता है। लास्ट में उस लड़की को बुरा भला कह के वो गाड़ी से निकाल देता है और इसके बाद अपने कार को रोड पे बहुत स्पीड में भगाने लगते हैं। अब गाड़ी स्पीड भगाने के लिए एक पुलिस वाला उसे रोक लेता है, लेकिन ग्रिशा यहाँ भी अपने पैसों का घमंड दिखाता है और पैसों को पुलिस वाले के मुंह पे मार देता है। लेकिन पुलिस वाला एक ईमानदार ऑफिसर था, इसलिए वो ग्रिशा को वहां से जाने नहीं देता है और गाड़ी के सामने जाके गाड़ी को रोकने लगता है। लेकिन ग्रिशा उसको ना सुनते हुए गाड़ी को बहुत स्पीड से भगा देते हैं, जिसके कारण उस पुलिस वाले को काफी चोट आते हैं। अब इसी वजह से ग्रिशा पर केस हो जाता है और पुलिस वाले उसको जेल में बंद कर देते हैं। कुछ ही देर बाद ग्रिशा के पापा पेबल आते हैं ग्रिशा को जेल से निकलवाने के लिए और ग्रिशा को जेल से निकलवाते हैं। अब इसी टाइम पुलिस कमिश्नर ग्रिशा के पापा के दोस्त है तो वो बताता है कि तुम्हारे बेटे काफी बिगड़ गया है, उसका कुछ करना पड़ेगा, अगर ये ऐसा ही रहा तो और ज्यादा बिगड़ जाएगा। असल में ग्रिशा के हरकतों से उसके पापा भी परेशान था। उसको जेल से निकलवाने के बाद ग्रिशा के पापा उसको काफी समझाने लगते हैं, लेकिन उल्टा ग्रिशा उससे ही बदतमीजी करने लगते हैं। ग्रिशा ये इसलिए करता है क्योंकि उसे पता था कि वो उसके बाप के एक लौटे बेटे हैं, जिसके वजह से उसके पिता उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो अकर दिखाते हैं। अपने बेटों की हरकतों से तंग आकर पेवल अपने पुराने एक दोस्त टीवी प्रोड्यूसर एनेस्थीसिया से इस बारे में बात करने लगते हैं और उसे ग्रिशा के हरकतों के बारे में बताता है। यह सब सुन के एनेस्थीसिया बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है। फिर वो अपने दोस्त पेवल को अपने एक दोस्त लैब के पास ले जाती है। लैब हॉरर मूवी में सेट डिजाइनिंग और वीएफएक्स का काम करता है और वो अपने कामों में इतना माहिर था कि अपने सेट डिजाइन और वीएफएक्स की वजह से किसी भी आदमी को बेवकूफ बना सकते हैं। यहाँ पर पेबल सारा समस्या लैब को बताता है और लैब भी उसको मदद करने के लिए मान जाता है। दूसरी ओर हम ग्रिशा को एक बार से निकलते हुए देखते हैं। तभी ग्रिशा देखते हैं कि उसके कार को एक वैन लेके जा रहा है, जिसके वजह से वो उस वैन के पीछे भागने लगता है। तभी पीछे से कोई ग्रिशा को शूट कर देता है, जिसके वजह से वो वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद ग्रिशा का जब आँख खोलता है तब वो देखता है आर्टियन नाम का एक लड़का उसे बोलता है कि तुमने अभी तक लैंडलॉर्ड के घोड़े को तैयार नहीं किया है। तभी वहां पर और एक आदमी आ जाता है और ग्रिशा को पकड़ के बाहर फेंक देता है और उसे लैंडलॉर्ड के घोड़े के बारे में पूछने लगता है। ये सब सुन के ग्रिशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर क्या चल रहा है, ये लोग किस घोड़े के बारे में पूछ रहे हैं। इसी दौरान लैंडलॉर्ड भी वहां आ जाता है। वो अपने बेटे एलेक्सी को ग्रिशा पर कोरे बरसाने को कहता है। इसके बाद एलेक्सी ग्रिशा को साबुक से खूब मारता है। फिर आर्टियन ग्रिशा को फिर से घोड़े के अस्टबल में लेके आता है। तब ग्रिशा बोलता है कि उसे एक फोन चाहिए, अगर उसके डायट यहाँ पर आ जाए तो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये सब सुन के आर्टियन को कुछ समझ में नहीं आता है और वो ग्रिशा से पूछते हैं आखिर ये मोबाइल क्या चीज है और तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। ये सब सुन के ग्रिशा बाहर भागने लगता है और बाहर अच्छे से देखने पर उसे पता चलता है कि आसपास टेक्नोलॉजी का कोई नामो निशान ही नहीं है, क्योंकि वो समय में पीछे चला गया है और वो 18th सेंचुरी में पहुंच गया है। उसको लगता है कि वो टाइम ट्रेवल कर चुका है। अब फिर से लैंडलॉर्ड के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और उसको भागने की गलती करने की वजह से फांसी की सजा सुनाई जाती है। फिर ग्रिशा को बांध के फांसी देने के लिए लाया जाता है, जहां पर सभी गांव वाले उसके फांसी को देखने के लिए आए हुए थे। ग्रिशा को फांसी देने ही वाला था तभी उसी टाइम लैंडलॉर्ड की बेटी अग्लिया आ जाती है और अग्लिया लैंडलॉर्ड से कहती है आज मेरा बर्थडे है, आज खुशी की बात है, इसलिए आज किसी को भी फांसी नहीं होना चाहिए। ये सब लैंडलॉर्ड भी मान जाता है और किसी को भी फांसी नहीं होती। तभी हम आसमान में सीरिया देखते हैं जो उड़ के एक टावर की ओर जाते हैं, जहाँ पर एक आदमी उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये कोई सीरिया नहीं था, ये सिर्फ एक ड्रोन कैमरा है जिसको गांव वालों पे नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और हम यहाँ पर एक ऑपरेटिंग रूम देखते हैं, जहाँ पर मॉनिटर में गांव के सारे हरकत टीवी में देखे जा रहे हैं। यहाँ पर ग्रिशा के पापा भी था और साथ में वो वीएफएक्स आर्टिस्ट भी था। और यहाँ हमें पता चलता है ग्रिशा 18th सेंचुरी में नहीं पहुंचा है, बल्कि पेबल ने अपने प्रोड्यूसर दोस्त और लैब के साथ मिलके
18 सेंचुरी का ये एक सेट बनाया है ताकि उसके बेटे को सबक सिखाया जा सके और उसको बेहतर इंसान बनाया जा सके। गांव में जो भी लोग हैं वो एक एक प्रोफेशनल एक्टर है जिसको पेवेल ने ही हायर किया है। ऊपर से पूरे गांव में हिडन कैमरास और माइक्रोफोन फिट कर दिया गया है और इन सब चीजों को उस टावर से ही कंट्रोल किया जा रहा है। अगले सीन में हम फिर से ग्रिसा को देखते हैं। वो तबेले में बैठ के अपने दोस्त के साथ सोच रहा है आखिर वो टाइम में इतने पीछे कैसे आ गया। अगले दिन आर्टियन उसे अपना काम बताता है और ग्रिसा अपने काम को करने की कोशिश भी करता है पर वो घुरे को तैयार नहीं कर पाता। इधर हम ग्रिसा के पिता पेबल को हम देखते हैं जिसके दोस्त बड़े ही जोश में काम कर रहे थे। साथ ही वहां पर बहुत सारे एक्टर्स मौजूद थे जो हर एक सीन को बेहतर बनाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। अब ऐसे ही एक दिन ग्रिसा जब बैठा हुआ था तब उसे एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई देता है। वो उस लड़की के पास जाता है और जाके वो देखता है कि लैंडलॉर्ड की बेटी अग्लिया वहाँ पर रो रही थी। वो अग्लिया से अपने रोने की कारण पूछता है तो अग्लिया उसे बताती है कि मेरे पिता मुझे एक बूढ़े इंसान से शादी करवाना चाहता है पर मैं उसे शादी करना नहीं चाहती। ग्रिसा कहता है इससे रोने की कोई बात नहीं क्योंकि जल्द ही वो बूढ़ा मर जाएगा और उसका सारा प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। ये सारी बातें पेबल भी सुन रहा था क्योंकि वहाँ पर कैमरा और माइक्रोफोन लगा हुआ था। अगले दिन जब ग्रिसा काम कर रहा था तभी वहाँ पर लीजा नाम की एक लड़की आती है। जब लीजा अपने घोड़े से उतर रही थी तभी ग्रिसा उसकी अंडरवेयर को देख लेता है। थोड़ी देर देखने के बाद ग्रिसा को रियलाइज होता है कि वो 18th सेंचुरी में है तो लीजा के पास वो मॉडर्न अंडरवेयर कैसे आ गई। फिर ग्रिसा दौड़ के लीजा के पास जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करते हुए लीजा की अंडरवेयर देखने की कोशिश करता है लेकिन तभी लैंडलॉर्ड के लोग आ जाते हैं और ग्रिसा को पकड़ लेते हैं जिसके बाद लीजा तुरंत वहां से निकल जाती है। ये सब देखने के बाद ग्रिसा के पिता पेबल बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था ग्रिसा अभी तक नहीं सुधरा। इसी बात से वो अपने टीम पर भी काफी गुस्सा हो गया था। तभी उन लोगों को पता चलता है कि ग्रिसा अपने हरकतों के वजह से लीजा से माफी मांगना चाहता है। ये सुनकर पेबल को थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उसका बेटा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है। फिर लीजा अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर ग्रिसा से मिलती है। फिर ग्रिसा उससे माफी मांगता है और लीजा भी उसे माफ कर देती है। इसके कुछ दिनों के बाद गांव में एक फेस्टिवल होता है। गांव वालों का कहना था कि आज रात जिस भी लड़का जिस लड़की के साथ बिताएगा वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ये बात ग्रिसा को भी पता चलता है तो वो भी इस फेस्टिवल में आ जाता है। यहाँ पर ग्रिसा लैंडलॉर्ड की बेटी अग्लिया से मिलता है। अग्लिया काफी परेशान थी क्योंकि उसके पिता उसकी शादी एक बूढ़े इंसान से करवाना चाहता है। यहाँ अग्लिया ग्रिसा से कहती है मैं आज रात नदी में कूद के जान देने वाली हूँ और ये कह के वो नदी के और चली जाती है। ग्रिसा के पिता ये सब जानबूझ के करवा रहे थे ताकि वो देख सके कि ग्रिसा में अभी तक इंसानियत आया है कि नहीं। पर ग्रिसा अग्लिया की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता और वो लीजा के पास जाकर लीजा से बात करने लगता है। लीजा से बात करते हुए उसे बहुत मजा आ रहा था लेकिन तभी आर्टियन उसे आके बताता है कि अग्लिया नदी में डूबने गई है और ये सुनते ही ग्रिसा नदी के ओर दौड़ने लगता है और ग्रिसा अग्लिया को डूबने से बचा लेता है। इसके बाद वो अग्लिया को अग्लिया के घर पे जाके छोड़ता है। यहाँ पर अग्लिया उसकी करीब आने की कोशिश करती है लेकिन ग्रिसा उसको इग्नोर करके वापस फेस्टिवल में चला जाता है। और ये चीज कंट्रोल रूम में सभी को अजीब लग रहा था क्योंकि सभी को पता था ग्रिसा एक प्लेबॉय था। ग्रिसा मौका का फायदा उठाएगा लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगले टाइम ग्रिसा लीजा को ढूंढने लगता है तभी ये बात कंट्रोल रूम को भी पता चल जाता है। वो लोग जल्दी से लीजा को इन्फॉर्म कर देते हैं अपने एक्ट में जाने के लिए। अब ग्रिसा लीजा के घर आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है लेकिन लीजा उसे बोलती है कि उसके डाइट के तबीयत खराब है इसलिए वो आ नहीं पाएगी। इसके बाद अगले दिन लैब लीजा से कहता है कि तुम्हें ग्रिसा के साथ प्यार के नाटक करना होगा क्योंकि ग्रिसा अब तुम में इंटरेस्टेड है। ये बात जानकर लीजा का असली बॉयफ्रेंड जो लैंडलॉर्ड का बेटा का रूल कर रहा था उसको अच्छा नहीं लगता। तभी लीजा बोलती है ये सिर्फ एक नाटक ही है। अब एक दिन पेबल लैब से कहता है बहुत दिनों से ग्रिसा कुछ अच्छे खाने नहीं खा रहे हैं इसीलिए एक्ट में लैंडलॉर्ड ग्रिसा को अपने घर दावत के लिए बुलाता है और लैंडलॉर्ड उसे अच्छा खाना खिलाता है। साथ ही ग्रिसा बहुत सारी गलतियां करता है जिसके वजह से उसे कोरे भी खाने पड़ते हैं। ऐसे ही एक दिन लैंडलॉर्ड का बेटा उसे अपने घर बुलाता है और उसे बुरा भला कहने लगता है। ग्रिसा के डैड को लगता था कि ग्रिसा को इस बात से बहुत गुस्सा आ जाएगा और वो उसके साथ फाइट करेगा लेकिन कुछ भी नहीं होता और ग्रिसा वहां से चला जाता है। इससे वो लोग समझ जाता है ग्रिसा धीरे धीरे इम्प्रूव हो
रहा है। साथ ही में लीजा और ग्रिसा काफी टाइम साथ में रहने लगा है और उसके बीच काफी बॉन्डिंग भी होने लगे थे। एक दिन जब लीजा ग्रिसा के साथ थी तब वो अपने बॉयफ्रेंड यानी कि लैंडलॉर्ड के बेटे को अग्लिया के साथ इंटीमेट हुआ देखते हैं और उन्हें उस कंडीशन में देख के और वो समझ जाती है कि इन लोगों का अफेयर चल रहे हैं। ये बात लीजा को बहुत बुरी लगती है इसलिए वो वहाँ से चली जाते हैं। साथ ही इस बात से कंट्रोल रूम भी बहुत गुस्सा थे क्योंकि इन लोगों को इन सब के लिए साफ मना किया गया था, इसलिए वो लोग लैंडलॉर्ड के बेटे और अग्लिया को काम से निकलवा देते हैं। उसी रात लीजा काफी दुखी थी। लीजा को खुश करने के लिए ग्रिसा एक कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम करता है। इसके बाद दोनों देर रात तक बात करते हैं और यहाँ पर ग्रिसा लीजा से अपने प्यार का इजहार करता है और साथ ही दोनों एक दूसरे से किस करते हैं और किस करके अपने प्यार का इजहार करते हैं। और ये देख के ग्रिसा के डैड काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि पहली बार ग्रिसा किसी से प्यार करने लगा था और अब ग्रिसा काफी हद तक सुधर चुका है। अभी ये सब देख के सभी खुश था लेकिन उन लोगों को कन्फर्म नहीं था कि ग्रिसा बाकी लीजा से सच्चा प्यार करता है या प्यार का नाटक कर रहा है। इस बात को पता लगाने के लिए कंट्रोल रूम और एक नया प्लान बनाता है और उस गांव में मंगोलियन सेना का हमला करवा देता है। यहाँ पर मंगोलियन सेना लीजा को पकड़ लेते हैं और कहते हैं हम इस लड़की को साथ ले जाने वाले हैं, अगर तुम में से कोई इसे बसाना चाहता है तो तुम्हें मेरे एक सैनिक को लड़ाई में हराना होगा। अब ये सब देख के ग्रिसा लीजा को बसाने के लिए आगे नहीं बढ़ता। फिर ग्रिसा का दोस्त उसे कहता है क्या तुम अपने प्यार को नहीं बसाओगे। ये सुनकर ग्रिसा वहाँ से जाने लगता है। लीजा काफी चिल्लाती है लेकिन फिर भी ग्रिसा नहीं रुकता। ये देख के कंट्रोल टावर में सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था इतने मेहनत के बाद भी अभी तक ग्रिसा नहीं सुधरा है, इसलिए पेबल पूरे सीज को रोकने के लिए कह देता है। लेकिन तभी ग्रिसा एक घोड़े पे सवार होके वहाँ आता है और मंगोलियन सेना से लड़कर लीजा को अपने साथ घोड़े पे बिठाकर जंगल की ओर भागने लगता है। घोड़े से भागते हुए लीजा और ग्रिसा एक पेट्रोल पंप पे आ जाते हैं। ये सब देखकर ग्रिसा काफी हैरान था कि आखिर 18th सेंचुरी में पेट्रोल पंप कहाँ से आया, और वो इसके बारे में सोच ही रहा था तभी उसे सूद करके बेहोश कर दिया जाता है। फिर जब ग्रिसा की आँख खोलते हैं तब वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है जहाँ पर उसके डैड उसे कहता है तुम कई दिनों से कोमा में थे। अब ग्रिसा पिछले जिंदगी में वापस आ जाता है पर अब उसे पार्टी करना, कार तेजी से चलाना बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। वो बस उसी पल को याद कर रहा था जब वो उस गांव में था। फिर एक दिन जब वो क्लब में था तब उसे वहाँ अग्लिया मिलती है और अग्लिया को देख के वो हैरान रह जाता है। फिर ग्रिसा के बहुत कहने पर अग्लिया उसे सारे सच्चाई बता देती है। साथ ही वो उसे 18th सेंचुरी का सेट भी दिखाती है और बताती है किस तरह से उन्होंने इस प्लान को अंजाम दिया है। ग्रिसा लीजा के बारे में पूछता है तब अग्लिया उसे लीजा के पास ले जाती है। लीजा भी ग्रिसा को देख के काफी खुश थी क्योंकि लीजा भी उसे पसंद करने लगी थी, इसलिए वो ग्रिसा से अपने प्यार का इजहार करती है। मूवी के लास्ट में दिखाते हैं यहाँ पर ग्रिसा अपने पिता को थैंक्स कहता है क्योंकि उन्होंने ही उसे जीवन का सही मतलब समझाया है। और यहाँ पर ग्रिसा को भी लीजा मिल जाता है और फिल्म यही खत्म हो जाते हैं।